डिप्टी कलेक्टर बनाने का ऑफर मिला तो मैंने कहा मेरे हाथ के नीचे रहेंगे आईएएस अधिकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को साल 2019 और साल 2020 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान की। इस दौरान वह चयनित और तैयारी कर रहे युवाओं से बातचीत भी की। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से बातचीत में कहा कि अपना आकलन करें, यह निर्णय लें कि हमारे मन में क्या है, नौकरी करना अच्छा लगता है तो वही करें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चयनित अभ्यर्थियों से बातचीत में कहा कि अपना आकलन करें, हमारे मन में क्या है, नौकरी करना अच्छा लगता है तो वही करें, जहां हमारा मन और आत्मविश्वास बोले वही करें, डायरी में जरूरी बातें लिखें, अपनी प्राथमिकता तय करें, जो काम मिला उसे अच्छे से करें, अच्छी तरह से परख कर मित्र बनाएं, पर बीच में न छोड़ें, जीवन में हमारी सहायता करने वाले लोग भी होने चाहिए, मेरे हाथ के नीचे काम करेंगे। उन्होंने सभी युवाओं से कहा कि आप जहां भी आए हैं वहां की जड़ें ना काटें, आपसे गलती हो सकती है पर इरादा ठीक होना चाहिए। सीएम यादव ने प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही अंशिका ठाकुर के एक प्रश्न का जवाब में देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1986 के आसपास मुझे डिप्टी कलेक्टर बनने का ऑफर मिला था। तब खुद आयोग के चेयरमैन ने मुझसे दोस्ती में कहा था कि आप पीएससी की परीक्षा दो तो मैं आपको डिप्टी कलेक्टर तो बना ही सकता हूँ, इसमें आपकी मदद करूँगा। तब मैंने कहा था आप मेरे को क्या डिप्टी कलेक्टर बनाओगे, आईएएस अधिकारी तो मेरे हाथ के नीचे काम करेंगे। सभी लोगों को बैठने का किया इशारा। वहीं कार्यक्रम के शुरुआत में सभी लोग मध्य प्रदेश गान के लिए खड़े हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।